Yeah, I just rather be alone in my zone writing poems. When I get in, I take a shower, read a book and feel empowered. Smoking on that sour got me counting down the hours, thinking of all. Good morning everyone, और स्वागत आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। और वैसे भी टाइम देख लो कितना हो रहा है, सुबह का 6:38 और अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से मायापुर के लिए। अगर आपने मेरा लास्ट वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था मैं कल ही निकलने वाला था, बट कल नहीं जा पाया मैं, तो इसलिए आज मॉर्निंग में निकल रहा हूँ। वैसे 6 बजे का निकलने का टाइम था बट आधा घंटा लेट हो गया, कोई बात नहीं। वहाँ ऑलरेडी अपना होटल वगैरह बुक्ड है, कौन सा होटल बुक्ड है कौन सा नहीं वो ऑलरेडी शायद आपको टाइटल एंड थंबनेल से पता चल गया होगा। अगर नहीं पता चला है तो कोई नहीं, वीडियो में बने रहो आपको पता चल जाएगा। वैसे मैं वहाँ बस एक दिन के लिए जा रहा हूँ। वैसे मेरा बहुत मन था कि मम्मी भी इस ट्रिप में हमें ज्वाइन करती, बट मम्मी का प्लान हो गया अपने फ्रेंड लोगों के साथ मिलके जाने का। मैं बोला चलो कोई बात नहीं घूम लो, घूम के ही आ जाओ, एक दिन में तो मेरा होगा नहीं, हम तो 2 दिन का वहाँ लेके ही जाते हैं। तो वही बात है, मैं बस एक दिन के लिए जा रहा हूँ तो फिलहाल, और हमेशा की तरह मैं कहीं भी निकलता हूँ बाहर किसी भी काम के लिए निकलता हूँ, मम्मी का ये है दही और गुड़, आज दही और गुड़ है देख लो भाई। चलो आते हैं मम्मी। ठीक है बेटा, चलो जी अपना कैब तो आ गया है, अभी जा रहे हैं मैडम को सबसे पहले रिसीव करते हैं। और आपने देखा घर से ब्रेकफास्ट करके भी नहीं निकला हूँ मैं, तो देखेंगे ऑन द वे कोई अगर अच्छा बढ़िया ढाबा रहेगा तो उधर ब्रेकफास्ट करेंगे। और आपको भी रिकमेंड करेंगे अगर आप कभी उस हाईवे से जा रहे हो या फिर मायापुर आप भी बाई कार जा रहे हो तो पहले तो मैडम जी को रिसीव करते हैं, पूछते हैं उन्होंने कुछ खाया है कि नहीं, देन उसके आगे का जो होगा आपको पता चलेगा। फाइनली देख लो मैडम जी को भी रिसीव कर लिया मैंने, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग। तो बस अब यहाँ से अभी हम लोग जीडी रोड में, थोड़ा इधर लगेगा हाईवे में कनेक्ट होने में, उसके बाद से तो भाई रोड अच्छा है, मैंने पता किया भैया से अभी रोड अच्छा है वहाँ का, बाकी मैं तो जा ही रहा हूँ मैं भी दिखा दूंगा अपने साइड से। तो देख लो जी फाइनली अभी हम लोग दिल्ली रोड में कनेक्ट हो गए हैं, यही रास्ता आप सीधा चले जाओ दिल्ली निकल जाओगे, सीधा नहीं कहीं ना कहीं इधर उधर तो मुड़ना ही होगा, मतलब यही है अपना दिल्ली रोड। देख लो यहाँ पे आपको बोर्ड भी दिख जाएगा दिल्ली एंड बर्धमान। और जब भी हम लोग को दीघा मंदारमनी पुरी ओडिशा ये सब जाना होता है ना, तब हम लोग लेते हैं मुंबई रोड। ये रेलवे ट्रैक भी आपको दिख रहा होगा, ये जो ट्रैक है ना हमारे घर के आसपास से जाता है, आसपास मतलब 3-4 किलोमीटर दूर से जाता है, कहने का मतलब ये है। बाय द वे मैडम अभी तक दीघा मंदारमनी भी नहीं घूमी है, नहीं पूरी गई है कभी, तो वो भी कभी प्लान बनाएंगे, वो तो घर के पास में ही है। बहुत जगह घूमे लेकिन अभी मुझे मन होता है वही दीघा और पूरी वगैरह जाने का, तो वहाँ भी चला जाएगा प्लान बनाना। वो तो प्लान क्या बनाना, वो तो घर के पास में ही है, एक लोकल में बैठो डायरेक्ट पहुँच जाओ। वैसे अभी टाइम देख लो 7:14 हो रहा है, लगभग हम लोग 6:30 बजे निकले थे। हाँ जी, तो अभी हम लोगों ने लिया है यहाँ पे पहला ब्रेक ब्रेकफास्ट ब्रेक, और इस वाले रूट में ना मतलब मैं बता रहा हूँ उतना बढ़िया कोई ढाबा वगैरह दिख नहीं रहा है हमें, बहुत देर से हम लोग खोज रहे थे, फाइनली हमें ये एक दिखा, वो भी एक प्रॉपर ढाबा नहीं है, खाने पीने का कुछ हल्का फुल्का मिल रहा था। और अभी ये जो है पूरा वन वे रोड है तो यहीं से जा रहे हैं हम लोग, और यहाँ से 60 किलोमीटर बचा हुआ है, काफी हद तक हम लोगों ने रोड कवर कर लिया है। और देख लो ब्रेकफास्ट में क्या होने वाला है, मूढ़ी घुघनी, ये मुझे दिख गया, मैं बोला दे दो, ये अपना मूढ़ी है यहाँ पे बहुत फेमस है, ये मूढ़ी है साथ में घुघनी है और ये सब दिया हुआ है, अपने ड्राइवर भैया शायद वो पराठा लिया है, तो यही है अपना आज का ब्रेकफास्ट। वैसे आपको ये देखकर ऐसा लग रहा होगा लेकिन ये कॉम्बिनेशन ट्राई करना बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत बढ़िया। चलो जी अपना ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया, टोटल पता है टोटल कितने का आया, मतलब हमारा तुम्हारा और हमारे ड्राइवर भाई का मिला के टोटल 130 रुपया सब कुछ लेके, कितना अच्छा है ना, अच्छा भी पेट भी भर गया। वैसे मूढ़ी घूघनी कैसा लगा, बाकी ये चाय पी रही है, चाय अगर इसको अच्छा लगेगा तब मैं भी ले लूंगा अपने लिए। चलो जी अपना हो गया ब्रेकफास्ट कंप्लीट, यहीं से हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। वैसा कुछ नाम नहीं है जगह का, क्या स्नेहा घोष नाम नहीं है कोई जगह का, लेकिन बहुत बढ़िया था। और सामने में देख लो अपना ड्रीम कार खड़ा है, बट क्या कर सकते हैं, चलते हैं। तो देखा जाए तो अभी हम लोग एकदम अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, और यहाँ से अभी मैंने चेक किया 40 से 45 किलोमीटर रह गया है बस, हम लोग 10 या 10:30 या 11 बजे तक पहुंच जाएंगे, समझो 11 बजे तक रूम में रहेंगे अगर हमें रूम जल्दी मिल जाता है चेक इन। तो फिलहाल वही वन वे रोड है, ऐसा कुछ दिखाने को है नहीं, तो एक काम करते हैं अपने फोन को करते हैं ब्लूटूथ से कनेक्ट, थोड़ा म्यूजिक वगैरह सुनते जाते। ऑलराइट, तो अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं ये कोई नंदई ब्रिज, एक और ब्रिज अभी आने वाला है जो कि इससे भी बहुत ज्यादा बड़ा होगा, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। ऑलराइट, तो अभी हम लोग एंटर किए और यहाँ पे ऐसा लाइक ऐसा कोई प्रॉपर टोल नहीं बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे साइड में एक बंदे खड़े रहते हैं, वो देख लो 10 रुपए का यहाँ पे कूपन, यहाँ पे लिखा भी हुआ है देख लो टोल प्लाजा,
गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल PW। चलो जी फाइनली अपने होटल पहुंच गए। रोड थोड़ा देख लो भाई साहब, रोड का बैंड बजा हुआ है थोड़ा, वो दूर में दिख रहा है मुझे अपना होटल। लो जी फाइनली पहुंच गए हैं, देख लो होटल सुनार बांग्ला। प्रॉपर्टी तो इनका नो डाउट बहुत अच्छा लग रहा है बाहर से देख के, अंदर जाते हैं पता नहीं इसका एंट्री गेट कहाँ से है, ये शायद एग्जिट लग रहा है मेरे को। तो बनाया तो भाई साहब एक नंबर प्रॉपर्टी है जो भी बोलो, होटल सोनार बांग्ला मायापुर। रिसेप्शन को था जी, देख लो भाई साहब अभी भी काम चल रहा है इनका, लेकिन बहुत बढ़िया बनाया है प्रॉपर्टी इन्होंने। लेकिन फाइनली देख लो होटल में तो पहुंच गए, अभी सबसे पहले जाना पड़ेगा मुझे रिसेप्शन। रिसेप्शन में जाके पहले अपना रूम फाइनल करते हैं। और ये कुछ ऐसा देख लो इनका रिसेप्शन का एंट्री है, देखकर तो बहुत बढ़िया लग रहा है वैसे। देख लो जी वैसे बनाया मस्त है। और सबसे अच्छा क्या लग रहा है बोलो तो, जो मायापुर लिखा हुआ है ना, बहुत बढ़िया लग रहा है। देखो और देख लो कृष्ण जी का कितना बड़ा मूर्ति है यहाँ पे, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा रिसेप्शन देखा, इतना खुला खुला रिसेप्शन, देखो बहुत बढ़िया लग रहा है। बाकी अपना बुकिंग का प्रोसेस पूरा करते हैं फिर मिलते हैं। और मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि जैसे देख लो यहाँ पे पानी है ना, बारिश के टाइम में अच्छा खासा पानी रहता होगा यहाँ पे। और अभी देख लो किसी के साथ बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट हुआ, इसलिए कुछ ऐसा हाल है अभी फिलहाल। अभी जाते हैं अपने रूम के पास, देखते हैं अपने को कौन सा रूम मिला है। भाई यहाँ पे ना तीन कैटेगरी का रूम है, क्या क्या कैटेगरी है मैं बताऊंगा आपको। एक तो डुप्लेक्स है, अगर आप फैमिली मेंबर्स अभी एक साथ आ रहे हो तो डुप्लेक्स ले लो भाई, ऊपर नीचे सब आप ही का फ्लोर होगा। और बच्चों के लिए भी देख लो यार, खेलने के लिए बहुत कुछ है ना, बुग्गी आती तो मजा आता, उसका मन लगा रहता है यहाँ पे। और ये काफी बढ़िया लग रहा है, फोटोज वगैरह काफी अच्छा आएगा यहाँ पे, मतलब शाम के टाइम ना काफी अच्छा टाइम पास होगा। अभी रूम में चेक इन करने के बाद ना मैं आऊंगा बुग्गी को ये सब जगह दिखाऊंगा। और पूल का साइज देख लो भाई साहब, क्या बड़ा पूल का साइज है, ये होता है ना पूल का साइज। अभी रिसेंटली मैं था ITC नर्मदा में, उनका पूल का साइज देखे तो कितना छोटा था, और ये पूल का साइज देख लो भाई। और अपने रूम के जस्ट पास में ही पूल होगा, और यही अपना रूम है देख लो सर। चलो अपने रूम में एंटर तो कर गए। ऑलराइट तो अभी जस्ट मैं चेक इन किया हूँ अपने रूम में, और भाई चेक इन करने में थोड़ा टाइम लग गया। एक्चुअली क्या है ना कि देखो चेक इन टाइम भी इनका शायद 1 बजे का है, लगभग 10:30 बजे ही मैं पहुंच गया था, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया रूम वगैरह रेडी करने में। वैसे भी उतना टूरिस्ट भी नहीं है। होटल जो है मैं अभी चेक किया तो मुझे पता चला ये जो होटल है इस्कॉन टेम्पल से 12 किलोमीटर दूर है। होटल के जस्ट बाहर में ही ना बहुत सारा टोटो रहता है, ई रिक्शा, वो 800 रुपए लेते हैं, वो पूरा अच्छे से घुमाकर आपको वापस से होटल में ड्रॉप कर देते हैं। अदरवाइज आप अपना ड्राइवर लेकर आए हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आप घूम लो जाके अच्छे से। सबसे पहले तो देख लो हमारे रूम से कुछ ऐसा व्यू है, पूल व्यू मिलेगा, अदरवाइज आसपास में तो ज्यादा कुछ है भी नहीं व्यू के लिए, तो होटल का ही एक व्यू आपको अच्छा लगेगा, या तो पूल व्यू या फिर ऊपर से देखोगे तो एरियल पूल व्यू, यही दो ही मिलेगा आपको। और काफी लोग अभी नहा भी रहे हैं। वैसे अभी मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से आपको इसका रूम टूर दे देता हूँ। रूम नो डाउट बहुत अच्छा है। वैसे मायापुर में इस कैटेगरी का होटल तो नहीं था, जब से ये सोनार बांग्ला ओपन हुआ यहाँ पे तो मेरा उसी समय से प्लान था आने का। बहुत बार मैं कोशिश किया आने का बट नहीं हो पा रहा था, लेकिन फाइनली अभी मैं आ गया हूँ। एक काम करते हैं जल्दी से आपको रूम टूर दे देते हैं। तो देख लो जैसे ही आप यहाँ से एंटर करोगे ना, यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में दिख जाएगा एक वार्डरोब, पूरा वो वुडन एंड बैम्बू टेक्सचर में बनाया गया है इसको, साथ में लगेज स्टोरेज है। राइट साइड में आपको वॉशरूम भी दिख जाता है, वॉशरूम मेरे को बहुत बढ़िया लगा, आगे दिखाता हूँ मैं। फिर थोड़ा सा एंटर करते ही देख लो कुछ ऐसा रूम है अपना, नो डाउट रूम बहुत अच्छा है, मतलब काफी अच्छा लग रहा है। रूम के अंदर का जो इंटीरियर है ना मेरे को बहुत बढ़िया लगा। और यहाँ पे मिल जाएगा मिनी फ्रिज, हाँ जी ये देख लो एक मिनी फ्रिज खाली ही होगा, हाँ खाली है। फिर इधर चाय कॉफी बनाने का सारा तामझाम। और वैसे यहाँ पे वाटर बोतल देख लो कुछ ऐसा मिलता है, जैसे ही वाटर खत्म होगा ये रिफिल कर देते हैं। बाकी यहाँ पे एक वर्किंग डेस्क बना हुआ है, साथ में मिरर भी है, और ये एक बड़ा सा यहाँ पे काउच या फिर डाइनिंग एरिया बोल लो, यहीं पे बैठ के अपना खाना पीना होने वाला है। ठीक है ओवरऑल रूम बढ़िया ही लग रहा है, कैसा लगा रूम? सबसे अच्छा भाई पूल व्यू है अपना, और देखेंगे मौका मिलेगा तो जाएंगे नहाने के लिए। अभी आपको दिखाते हैं इनका वॉशरूम, तो देख लो जी कुछ ऐसा वॉशरूम है इनका। बाकी ये शावर एरिया अलग से बना हुआ है, ये सामने में मिरर। बाहर से ये होटल जितना खूबसूरत दिखता है ना, अंदर से भी उतना ही खूबसूरत है। तो देख लिया आप लोगों ने रूम, कमेंट में बता देना कैसा लगा। और आप अगर मायापुर आते हो तो आप कहाँ स्टे करना प्रेफर करते हो तो मुझे भी बता देना, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं भी वहाँ जाके स्टे कर सकूँ। फिलहाल ये होटल मुझे दिखाना था, और बहुत लोगों का रिक्वेस्ट भी आया था, मोहित भाई मायापुर में नया सोनार बांग्ला का होटल आया है आप उधर जाओ अपना स्टे का एक वीडियो बनाओ। तो चलो मैं आ तो गया हूँ, स्टे भी कर रहा हूँ, कैसा एक्सपीरियंस रहता है कैसा नहीं सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। खाना वगैरह भी मैं यहीं से ऑर्डर करूंगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसा है कैसा नहीं है। फिलहाल अभी जाके ना थोड़ा सा फेस वॉश करते हैं फिर मिलते हैं। हाँ जी तो अभी कर लिया मैंने फेस वॉश, हालांकि कुछ फर्क पड़ा नहीं होगा, बस हाँ चेंज कर लिया, काफी पसीना पसीना हो गया था। वैसे आज फिर भी उतना भी ज्यादा धूप नहीं है, फिर भी एक होता है ना ह्यूमिड वेदर है, आपको ये पता है यहाँ का वेदर कैसा रहता है। फिलहाल अभी हम लोग रेडी हो गए, जा रहे हैं लंच करने के लिए, होटल के रेस्टोरेंट में जाएंगे। अभी वैसे टाइम देख लो कितना हो रहा है, 12:45 हो रहा है। तो एक काम करते हैं जाते हैं पहले देखते हैं इनका रेस्टोरेंट है किस साइड, मुझे खुद
भी आइडिया नहीं है कहाँ पे है, तो इतना बड़ा प्रॉपर्टी है, चेक करते हैं कहाँ पे। ये अपना रूम नंबर है 130 और नीचे में ना टोटल 4 रूम है और ऊपर 4 रूम है। तो देख लो जी कुछ ऐसा है नजारा अभी फिलहाल बाहर का। पहले चेक करते हैं, मेरे को लग रहा है रेस्टोरेंट शायद यही वाला है। वही अभी जाते हैं देखते हैं कहाँ पे है रेस्टोरेंट। मैंने यही गेस किया था कि यही इनका रेस्टोरेंट होगा। जाते हैं अंदर, तो ये इनका रेस्टोरेंट है देख लो। एक और बुफेटा देखते बारे बुफेटा पिकअप होच्छे। बुफेटा प्राइस होलो 599 प्लस 5% जीएसटी। वेज नॉनवेज बहुत आछे। नॉनवेज एर मध्ये चिकन फिश था। एखाने सलाद आछे। तो ये इनका कुछ बुफे है देख लो, ऑलमोस्ट 599 प्लस टैक्स लगेगा। वैसे तो मैं अलाकार्ट हिसाब से ऑर्डर करने वाला था, बट पता नहीं क्यों मेरे को ये बुफे ज्यादा बढ़िया लगा, क्योंकि बहुत सारा ऑप्शन था सैलड में देख लो। वेज भी ऑप्शन है इनके पास, ऐसा बात नहीं है। जैसे देख लो मैं राइस खा सकता हूँ, रोटी और तंदूरी रोटी का भी ऑप्शन है इनके पास। ये राजमा रसीला देख लो, ये बैगन भरता है ये भी वेज, ये आलू पोटल रोशा ये भी वेज, तो वेज का ऑप्शन है ऐसा बात नहीं है। ये नूडल्स वेज नूडल्स है, वेज हक्का नूडल्स ये भी वेज, चिली पनीर ग्रेवी ये भी वेज, तो वेज का ऑप्शन मुझे ज्यादा अच्छा लगा। दो लोगों का लंच बुफे का 1200 रुपए हो रहा है, मेरे को सही लगा, मैं बोला चलो लंच बुफे ही ले लेते हैं। और ये तो खैर नॉन वेज है, यहाँ जाना नहीं है अभी। अदरवाइज अगर आप नॉन वेज वगैरह खाते हो ना तो देख लो यहाँ पे कातला तेल झाल ये फिश वगैरह का भी ऑप्शन है, चिकन काली मिर्ची ये भी है। तो देख लो जी ये होने वाला है अपना आज का लंच। ऑप्शन तो बहुत कुछ था लेकिन हम लोगों ने यही लिया। राइस है, राजमा है, ये बैगन भाजा है, साथ में ये दही बड़ा सैलेड, साथ में ये जुड़जुड़े आलू भाजा, चिली पनीर तो है। मैं अलाकार्ट में चेक किया ना, रेट मेरे को बहुत ज्यादा लगा। ये जो मैंने अलग से जुड़जुड़े आलू भाजा लिया है ना, वही बस 120 या 150 रुपए का था। सबसे पहले मैं राइस एंड राजमा देखता हूँ कैसा है। और हम लोगों ने वैसे नान बोला हुआ है तो नान थोड़ी देर में आ जाएगा। दाल वैसे नहीं था, मेरे को दाल खाने का बहुत मन था। देखते हैं राइस एंड राजमा कैसा है। बढ़िया, स्पेशली राइस मेरे को बहुत अच्छा लगा इनका। लवली यहाँ पे नूडल्स और चिली पनीर ट्राई कर रही है, कैसा है? अच्छा है। बाकी पनीर देख के तो मेरे को भी बढ़िया लग रहा है, देखते हैं कैसा है पनीर। ठीक है लेकिन थोड़ा फीका फीका लगा मुझे। थोड़ा फीका नहीं लगा? नमक कम लगा। हाँ थोड़ा नमक कम लगा मुझे इसमें। खैर कोई बात नहीं, वो नमक तो है अपने पास, वो मिक्स कर सकते हैं हम लोग। और अभी हम लोगों ने इनका दही बड़ा ट्राई किया, दही बड़ा भी बहुत ही टेस्टी है। एक चीज तो बोलना पड़ेगा, यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा। जैसा वेज खाना हम लोग ढूंढ रहे थे वैसा खाना मिल गया। हाँ जी, तो अभी हम लोग लंच करके निकल गए और लंच का हमारा टोटल बिल तो ज्यादा ही हो गया, क्योंकि हम लोगों ने एक लाइम सोडा लिया, साथ में एक वाटर बॉटल था अलग से, और झुड़झुड़ आलू भाजा और बूफे तो अपना ऐड था। टोटल 1500 रुपए का बिल बन गया, जो कि हमारे रूम के साथ ही इंक्लूड हो गया। जब चेकआउट करेंगे ना तब पे करके निकल जाएंगे। वैसे अगर मैं खाने की बात करूँ ना तो खाना इनका अच्छा था। पनीर मेरे को सच बताओ तो उतना बढ़िया नहीं लगा, ग्रेवी अच्छा था लेकिन पनीर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसमें मेरे को दही बड़ा बहुत अच्छा लगा, राइस भी बहुत अच्छा था उनका। आज मुझे नॉनवेज खाना नहीं था, नहीं तो नॉनवेज में भी बहुत सारा ऑप्शन था। अब एक काम करते हैं, इनका एक इंडोर गेमिंग एरिया है जो कि ऊपर की तरफ है जाते हैं। तो इस वाले साइड इनका इंडोर गेमिंग एरिया है, पता नहीं कहाँ पे है, शायद यही है। थोड़ा देर टाइम पास हो जाएगा अपना यहाँ पे। और बच्चों के लिए सबसे बेस्ट है, सबसे बढ़िया मेरे को बच्चों लोग के लिए लगा। और एसी भी ऑन नहीं है। हाँ जी, वो जो गेम वगैरह खेल कर आए ना, उसके बाद रूम में आके थोड़ा देर रेस्ट लिए। और अभी टाइम वैसे मैं बता दूं 4 बज रहा है और 4 बजे यहाँ पे वापस से इवनिंग में मंदिर खुलता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ टेम्पल, और ये जो टेम्पल वाला जो पूरा ब्लॉग होगा ना, ये एक सेपरेट ब्लॉग में बना रहा हूँ। आप कल देख लेना कैसे कहाँ मैं गया, कितने बजे दर्शन हुआ, कहाँ पे मैंने प्रसाद लिया, सब कुछ A to Z सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपको। तो एक काम करते हैं, अभी जाते हैं टेम्पल, एक ही बार जब वहां से आता हूँ मैं तब ये वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करता हूँ। हाँ जी, तो इस्कॉन टेम्पल से निकलने के बाद अभी जा रहा हूँ मैं अपने होटल। चलो जी, होटल तो पहुंच गया हूँ मैं। लग तो रहा है बहुत ही खूबसूरत, वैसे एक बात तो बोलना पड़ेगा, लेकिन ये जिस जगह में होटल है ना, ये जगह को थोड़ा अभी डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ जी, तो अभी जस्ट मैं दर्शन करके रूम आया। और इस्कॉन टेम्पल के पास ना कहीं भी ऐसा चाय नहीं मिलता है, हर्बल टी बोलकर आपको हर जगह मिल जाएगा लेकिन चाय कहीं नहीं मिलेगा। तो रूम में आते ही मैंने सबसे पहले चाय ऑर्डर किया है भाई, क्योंकि सुबह से यार आज घर से भी निकले थे तो चाय पी के नहीं निकले थे। तो देख लो जी यही चाय है अपना। अभी वैसे रात का 9:30 बजने वाला है, तो डिनर तो आज होगा नहीं अपना। डिनर में हम लोगों ने वो गढ़ा भवन में जो प्रसाद खाया था ना, उसी से काम हो गया अपना। बस ये चाय पीते हैं, लैपटॉप वहाँ पे चार्ज हो रहा है, थोड़ा काम करना है मुझे, फिर सो जाऊंगा मैं। Just right.
rather be alone in my zone writing poems. When I get in, I take a shower, read a book and feel empowered. Smoking on that sour got me counting down the hours. हां जी, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग. आंखों का बुरा हाल है नींद से, दैट्स व्हाई ये ग्लासेस लगा के रखे हैं. और देख लो, सभी ब्रेकफास्ट करके नहाने भी आ गए. मैं इतने अच्छे अच्छे होटल में रुकता हूँ, कितना बढ़िया बढ़िया पूल रहता है, कहीं कहीं तो जकूजी भी रहता है, बट नहाना होता नहीं है यार मेरा. सुस्ते नहाएंगे नहाएंगे नहाएंगे, बट लास्ट मोमेंट में सब कैंसिल हो जाता है. लेकिन पूल बहुत बड़ा है, लेकिन हाँ पूरा अगर होटल फुल भी होता है ना तो मेरे को लगता है बहुत जगह है पूल में. अभी जाते हैं फिलहाल ब्रेकफास्ट करने के लिए. ब्रेकफास्ट टाइमिंग सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक. ये इनका किचन और ये रहा इनका रेस्टोरेंट. आज बहुत भीड़ लग रहा है यार, क्या बात है. इतना गेस्ट था हमको तो पता भी नहीं है. लंच करने आया तो पूरा खाली था, आज इतना सारा गेस्ट आ गया पता नहीं है. फ्राइडे सैटरडे संडे यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ होता है. ब्रेकफास्ट में तो बहुत कुछ दिख रहा है यार, पोहा है, उमाली पराठा, ये अपने काम का चीज है. वेज हक्का नूडल्स, कॉफी एंड पैनकेक, चाय भी है. अच्छा, इडली भी है, सांभर है, ये डोनट. बेकर्स बास्केट में भी बहुत सारा है, फ्रूट का भी ऑप्शन है, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह भी है, सैंडविच भी है, फ्रूट्स भी है. सही है, ब्रेकफास्ट के हिसाब से सही ऑप्शन है. देख लो जी, आते ही हम लोगों ने ये ब्रेकफास्ट ले लिया है. मेरे को तो सच बताया तो उतना कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए बस इडली लिया है मैंने, और बॉयल अंडे थे वो ले लिया है, कट फ्रूट्स है. इनका ये जो पराठा और सब्जी है ना बहुत बढ़िया लग रहा है. बाकी ये कुछ नया था इनका उमली, तो ये भी मैंने ले लिया है, देखते हैं कैसा है. ठीक है. हाँ जी, तो अभी जस्ट मैं ब्रेकफास्ट करके निकला. खाना कैसा लगा? खाना बहुत अच्छा लगा, स्पेशली लास्ट में हम लोगों ने डोसा लिया था. डोसा यार बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया था. इनफेक्ट सारा का सारा ब्रेकफास्ट ही काफी अच्छा था. फिलहाल अभी देख लो सुबह का कुछ ऐसा माहौल है. वैसे रात में जब हम अपने होटल आ रहे थे ना, ये सब चीज हम लोगों ने देखा, हमने बोला इतने रात को बैठ के कौन योगा कर रहा है, तो फिर ध्यान दिया हम लोगों ने, नहीं नहीं भाई ऐसे ही रखा हुआ है. फिलहाल देख लो कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है, बहुत बड़े जगह में बनाया गया है इसको, अच्छा खासा जगह है भाई साहब. पूल का साइज तो खैर मैं आपको बता ही रहा हूँ कितना बड़ा है, और मुझे शायद लग रहा है उधर भी कुछ है, तो जाते हैं उस वाले साइड में. और ये अपना साइड वाला रूम है देख लो, ये भाई इस वाले सेक्शन में तो हम लोग आए नहीं थे. देखो यहाँ भी देख लो इतना बड़ा पूल है, हमारा रूम जो है उस वाले साइड में, बहुत बड़ा वहां तक है भाई. वैसे इनका इंडोर गेमिंग एरिया तो मैंने आपको दिखाया ही, और ये देख लो इनका आउटडोर गेमिंग एरिया भी है. तो यहाँ पे आप क्या बोलते हैं इसको, फुटबॉल ही बोलेंगे ना, फुटबॉल वगैरह भी खेल सकते हो. मायापुर वैसे तो मैक्सिमम लोग एक दिन के लिए ही आते हैं, लेकिन अगर इस टाइप का प्रॉपर्टी है तो 2 दिनों के लिए आओ, इंजॉय करोगे. बहुत बड़ा जगह है, यहाँ पे आराम से बैठ के आप चिल मार सकते हो, खेल सकते हो, इतना बड़ा पूल है आप नहा भी सकते हो. और ये जो सामने आपको दिख रहा है ना लेक जैसा, इसको हंसा डांगा वाला बिल बोलते हैं कुछ. ये सामने में एक लेक है या रिवर है समझ में नहीं आ रहा है. और अभी मैं चेक कर रहा हूँ ना गूगल में, तो मुझे दिखा रहा है ये जो आप पीछे देख रहे हो ये हंसा डांगा बिल है. और बाकी तो ये अपना सोनार बांग्ला देख लो. हाँ जी, तो देख लो अभी रेडी हो गया ब्रेकफास्ट करके आने के बाद, अब टाइम हो गया चेकआउट का. वैसे तो मैंने बताया था आपको यहाँ पे टोटल 3 कैटेगरी का रूम मिलता है. एक तो मैंने आपको बताया डुप्लेक्स रूम, अगर आपका बड़ा फैमिली है ना तब आप वो ले लो, पूरा ऊपर नीचे का फ्लोर आपका ही होगा. और दूसरा है ये जिसमें मैं हूँ, लाइक ये इनका बोलते हैं पूल विला. एक्चुअली इसमें पूल नहीं है, पूल व्यू है, मैंने आपको दिखाया बाहर से पूल का व्यू आता है इसलिए पूल विला है. और एक इनका नॉर्मल ऐसा डिलक्स कैटेगरी का रूम है, इसमें गार्डन व्यू मिलता है. बाकी पैकिंग वगैरह हो गया, ज्यादा सामान भी नहीं है, एक बैग ही था और एक छोटा बैग वो मैं लाया था. चलो निकलते हैं, चेकआउट करते हैं, टोटल बिल कितने का है वो भी आपको दिखाते हैं. चलो जी, फाइनली चेकआउट हो गया है अपना, ये देख लो बिल भी मिल चुका है हमें. और टोटल वैसे मैं बता दूं, जिस रूम में मैं था ना उसका वैसे रेट होता है 7,000, लेकिन हाँ कुछ ऑफर वगैरह चल रहा था तो 50% डिस्काउंट मिल गया मुझे. 3500 रुपए मुझे रूम के लिए पे करना पड़ा, और खाना वगैरह का टोटल बिल वगैरह लेकर 5,600 रुपए लग गया हमारा टोटल, 5,650 टोटल लग गया. वैसे जो पूरा प्रॉपर्टी है ना, मतलब अगर आसपास में देखोगे ना, ये पूरा फॉरेस्ट एरिया हो जाता है. मतलब होटल के बाहर पैर रखते ही पूरा फॉरेस्ट एरिया स्टार्ट हो जाता है, इसलिए ना आपको कहीं होटल का बोर्ड वगैरह तक भी नहीं दिखेगा कि लाइक इस गली में जाओगे तो होटल दिखेगा. फिलहाल चलो चेकआउट कर लिया हम लोगों ने, निकलते हैं अब, जा रहे घर. और घर जाके एक दिन का रेस्ट लेके वापस से हमें निकलना होगा, और मम्मी भी ज्वाइन करेगी, लेकिन ये नहीं पता फ्लाइट से जाएंगे या ट्रेन से, देखते हैं. कोई इंटरेस्टिंग जगह का प्लान कर रहे हैं, और ये अपना कार भी आ चुका है देख लो. मेरे को लगता है ना मानसून में आने में ना और मजा आएगा, इस सब जगह पानी वगैरह भरा रहेगा ना तब देखने में ज्यादा अच्छा लगेगा, अभी तो पूरा सूखा सूखा सा लग रहा होगा. चलो जी, अभी हम लोग निकल गए हैं. होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो. वैसे नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा पूरा मायापुर में, जो हम लोगों ने दर्शन वगैरह किया. तो चलो ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ. होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो. अगर यहाँ तक देख लिया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो, ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा. हरे कृष्ण. चलो मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय.